Nice. देखिए भाई, इसमें कह रहे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने कब आई। ठीक, तो इसका आंसर है 1600 ईस्वी में। ठीक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये व्यापार करने के लिए भारत आई थी। ठीक है, 1600 ईस्वी में ये भारत आई थी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, शुरू शुरुआत से। ठीक है, हम इसमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आपसे बताते चलेंगे और इसमें जितना भी आपको पॉलिटिकल साइंस होगा सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए किसके द्वारा चार्टर प्राप्त था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए किसके द्वारा चार्टर प्राप्त था। ठीक, किसके द्वारा चार्टर प्राप्त था, तो इसमें देखेंगे आंसर इसका क्या होगा। उस टाइम पे इंग्लैंड, ठीक है, उस टाइम पे इंग्लैंड की जो रानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्राप्त किया था। ठीक है, ठीक है, चार्टर दिया था, एक मैग्ना कार्टा, उसको इंग्लिश कहते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, उसे चार्टर, तो ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया गया था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ठीक, महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम थी इंग्लैंड की, उस टाइम पे पहली महारानी थी। ठीक है, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आदेश दिया, सॉरी एक परमिशन दिया था। ठीक, एक परमिशन दिया था भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, संविधान सभा, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार और महाराष्ट्र, सॉरी बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त की। ठीक है, तो इसका आंसर है, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की 1765 में। ठीक है, सबसे पहले 1765 में उन्होंने उड़ीसा, बंगाल और बिहार की दीवानी प्राप्त कर ली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन 1946 में, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। ठीक, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। ठीक है, अब संविधान अस्तित्व में कब आया, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान अस्तित्व में कब आया, ये 1950 कब आया, देखिएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, क्वेश्चन नंबर 7 है,
देखिए क्वेश्चन सातवां, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कौन सा कदम था? ठीक है, पहला कदम, ठीक, ब्रिटिश सरकार का जो पहला कदम था वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में था। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनके कार्यों को नियमित करना और नियंत्रित करने के लिए उसने पहली बार कदम उठाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, किस एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? किस एक्ट द्वारा पहली बार किस एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? आंसर था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। ठीक, जिस एक्ट के तहत कंपनी थी ना, कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत ना बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? ये था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 10वां है, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर अब इसका आंसर देखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मद्रास, बंबई और बंगाल किस गवर्नर जनरल के अधीन था? आंसर इसका होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक,
बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके अधीन थी, मद्रास, बंबई और बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, आंसर क्या? 1774 ईस्वी में। ठीक है, 1774 ईस्वी में सबसे पहले कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1786 में बंगाल के बंगाल का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, आंसर होगा लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, ये लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक, ये 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इसको आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, और देखिए, जिसे हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक और शेयर करते जाओ, हमारे चैनल को, जो नए हैं ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक, इसमें होगा लॉर्ड माउंटबेटन, सॉरी लॉर्ड विलियम बैटिंग। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बैटिंग। ठीक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बैटिंग। क्वेश्चन नंबर 15, और एक चीज देखिए, भारतीय सिविल सेवा की सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का आरंभ किया गया? सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन प्रतियोगिता का आयोजन किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? चयन प्रतियोगिता आयोजन किस अधिनियम के तहत किया गया? यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1853 चार्टर अधिनियम के तहत। आंसर इसका होगा 1853 चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक, आंसर होगा 1853 चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में किस समिति की नियुक्ति की गई?
भारती, सिविल सेवा के किस भारतीय सिविल सेवा के संबंध में किस समिति की नियुक्ति की गई, कौन सी समिति थी जिसकी नियुक्ति की गई, मैं काले समिति, ठीक है, मैं काले समिति, ठीक, मैं काले समिति जो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में नियुक्त की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है, आंसर इसका होगा 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य, क्वेश्चन 19, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया, आंसर इसका होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। असम विधानसभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया, ठीक, तो आंसर होगा, आंसर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो हम आपसे विदा चाहते हैं, तब तक के लिए आगे क्वेश्चन हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं आपसे, थैंक यू।